हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो है ट्रिमर है और इससे हम शेप भी बना सकते हैं। और ये आप ये देख सकते हैं ट्रिमर, ये ट्रिमर जो है VGR का है और इसका मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे V228 प्रोफेशनल हेयर ट्रिमर। और इसके अंदर यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे तो यहाँ पे 2 आवर चार्जिंग टाइम है इसका, 180 मिनट्स ऑपरेटिंग टाइम है इसका। ये 180 मिनट जो है वर्क करेगी ये कंटिन्यू। और ये आप देख सकते हैं इसके साथ ये सारे सेट हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इधर भी हैं यहाँ पे। ये चार्जिंग वाली है इसकी और ये चार्ज वाली है, इसमें बैटरी नहीं लगती, इसमें चार्ज करते हैं ये। और ये ऑयल है इसके साथ और ये ब्रश है जो हम क्लीन करेंगे इसको, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें आप। और इसकी वारंटी वगैरह, ये ओरिजिनल मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। और इसमें ये पावर बटन है यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे ऑफ ऑन पावर बटन। और यहाँ पे ये ब्लेड हैं इसके और यहाँ पे ये लीड डिस्प्ले है इसके अंदर, आपको मिनट वगैरह दिखाएगा इसके अंदर, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं। ये इसका है, ये सब आप दे सकते हैं, ये ओरिजिनल है दिस वन, तो ओरिजिनल की आप ये पहचान दे सकते हैं इसमें। और इसका जो प्राइस है वो मलेशियन 80 रिंगिट है, तो US डॉलर जो हुए वो $20 हुए इसके। और इसमें दो कलर आते हैं VGR के अंदर, इस मॉडल के अंदर ये दो कलर है, एक सिल्वर है एक गोल्ड है इसके अंदर। तो मैंने जो है चूज़ किया है गोल्ड कलर, तो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये मशीन है यहाँ पे, ये देखिए, ये ओरिजिनल यहाँ पे ये सब देख रहे होंगे आप, ये शाइनिंग है इसमें, ये ओरिजिनल है इसका, यहाँ आप पढ़ सकते हैं ये सब चीज़ें। तो इसके अंदर ये इनबिल्ट बैटरी है इसके अंदर, ये USB है इसके अंदर। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं आप देख सकते हैं। ये GB जो GB के अंदर आ रहा है, ये GB में आप देख सकते हैं, ये ट्रिमर ऑफ ऑन बटन, 3 पीस गाइड कॉम और प्रोटेक्शन कैप, USB चार्जिंग केबल, फिर IT आ गया इसमें, तो IT का पढ़ सकते हैं, FR का आ गया, FR। तो ये लैंग्वेज वगैरह है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज है इसमें, तो ये फ्रांस की हो गई, डेनमार्क की हो गई, और ये आप यहाँ लैंग्वेज देख सकते हैं, ये लैंग्वेज है, तो मैंने आपको दिखा दिया है ये। और ये फुल एंजॉय, फुल ये लिखा है एंजॉय कलरफुल लाइफ। और यहाँ पे ये लोगो बना है USB का, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ से कर दिया है और यहाँ से पीछे से मैं इसको प्रेस करूँगा, ये मैंने प्रेस करा और ये यहाँ आ गया इसको, तो ये मैंने डिब्बा रख दिया यहाँ पे इसका। और ये इस तरह से है, इसको हम यहाँ आप देख रहे होंगे, ये इसका बॉक्स है, वो कवर था और ये बॉक्स है इसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है इसका। यहाँ इसके अंदर इसकी मशीन है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये कवर इसका है, ये इसको मैंने यहाँ रख दिया और ये इस तरह से इसमें है, ये आप मशीन देख सकते हैं इसमें, ये सेफ्टी का है इसमें। ये डिस्प्ले है इसका और यहाँ पे ये ऑफ ऑन है, ये इस वक्त ऑन हो गई है, यहाँ पे ये लाइट, और ये कवर है इसका, यहाँ से आपको ये हटाना पड़ेगा, ये यहाँ से कवर है,
साफ हो गए बाल में। बहुत अच्छी मशीन है ये, आपको दिखा दूँ। और तो ये देख सकते हैं आप, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ फिर और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ ये सब कुछ रखा है इसके अंदर, मैनुअल भी है इसके अंदर। ये यूएसबी है देखिए, और ये पावर का है इसमें। तो ये जो पावर है इसकी ये पीछे, और ये इस तरह से आप लगा सकते हैं इसमें, ये लगाएंगे। और ये यूएसबी है, ये यूएसबी में लगा दें और ये आप चार्ज कर देंगे। यहाँ पे ये चार्जिंग शो करेगी, ये यूएसबी का दिखाया। इसके अंदर ये ऑयल और इसके अंदर ये ब्रश है जो साफ करते हैं बाल वगैरह को। तो ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ मेरे बाल साफ हो गए। ये तो ये है आइटम, और इसके साथ ये पीस हैं, ये आप देख रहे हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये 3 हैं इसके अंदर, ये मैं यहाँ रखता हूँ इसको दोबारा से। और ये इसका जो सेफ्टी है कि पानी वगैरह ना जाए, जब शेप वगैरह बनाते हैं तो हम शेप बनाएंगे तो ये पानी ना जाए इसके अंदर, क्योंकि बाल अगर ड्राई पे काम करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगी। अगर इस पर साबुन नहीं खाली पानी लगाएं, पानी से इसको करें तो ये कैप है, ये इस तरह से लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैप जो है यहाँ जाएगा इसमें, और ये देख लीजिएगा कौन सा ऊपर जाना है। तो ये जो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये नीचे होगा और ये वाला हिस्सा ऊपर होगा। तो ये इस तरह से इसमें हम ये तो इसको यहाँ पे पहले लगाना है इधर, ये हमने अंदर लगाया, और फिर उसके बाद ये यहाँ लगाने के बाद थोड़ा सा उठा के ऐसे हम लगा देंगे इसको। ये देखिए ये यहाँ पे लग चुका है। तो ये सेफ्टी के लिए है कि पानी वगैरह इसमें ना जाए, वाटर वगैरह जो है वो पानी इसमें ना जाए। और इसको जब हमें निकालना होगा तो इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ये करेंगे, ये आप देख रहे हैं, और इधर से, और ये बाहर निकल जाएगा इसका। इसी तरह से इसको लगाना है, ज़्यादा इसमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे इसके लॉक जो हैं। तो इसको एक तरफ से आप पहले लगा दें, यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे लगाएं पहले, और फिर इसको टर्न करें और इसको इस तरह से लगा दें, ये लग जाए। तो ये सेफ्टी के लिए है, क्योंकि ड्राई स्किन पर अगर हम शेव करते हैं इससे करेंगे काटेंगे तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं काटेगा। तो इसको थोड़ा सा आप गीला कर लें, वेट कर लें, तो ये मशीन जो है वो अच्छा काम करती है। ये इस तरह से ये यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। ये तो शेप वगैरह हम सर के बाल वगैरह काट सकते हैं इससे, ये बहुत अच्छी मशीन है और ये मुझे बहुत पसंद आई। और मैं आपको इसकी मैनुअल भी दिखा देता हूँ। तो ये मैनुअल है इसकी, आप दे सकते हैं, और ये यहाँ पे भी है इसमें, ये सब अंदर दिया है इसके अंदर बुकलेट, ये सब दिया है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, है सब सारी लैंग्वेज में है जो इसमें दिया है इन्होंने। ये तो ये मैनुअल है इसकी, ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। और ये जो है इसमें किस तरह से लगता है, मैं इसको निकाल देता हूँ पावर केबल को। और इसमें पावर केबल के बाद ये हम यहाँ पहले इस तरह से लगाएंगे इसमें अंदर, और इसको पीछे से प्रेस करेंगे, ये चला जाएगा। और इसी तरह से हम ये निकालेंगे यहाँ से, पीछे से हम ये इस तरह से उठाएंगे, और ये हम चेंज कर सकते हैं। ये 3 है इसके अंदर, और ये इसे शेप भी कर सकते हैं हम, और बालों के सर के बाल भी काट सकते हैं। और ये मशीन जो है ये इससे कटता भी नहीं है, अगर इसको आप ऐसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं मशीन ऑन है ये, और यहाँ पे आप करेंगे तो इसको कर सकते हैं ये, और ये बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं ये। और इससे आप स्किन वगैरह कटती नहीं है, ये
मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ उसमें, ये इस पर मैं लगा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं स्किन कटती नहीं है इससे। स्किन बिल्कुल नहीं कटती, ये मैं लगा रहा हूँ कि इससे बहुत स्मूथ काम करती है ये। और उसके बाद ये जब भी आप इसको ऑफ करें और बाल बाल काटने के बाद ब्रश से साफ करें और उसमें ये ऑयल की जो है यहाँ पे ड्रॉप डालते हैं तो उससे जिंक वगैरह जो है वो नहीं आती है। वैसे तो ये स्टैंडर्ड स्टील है, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, क्योंकि ये ओरिजिनल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसमें ऑयल लगाना, आप ऑयल लगा दें इसमें तो ये और अच्छी वर्क करेगी। ये देखिए,